नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी, मेरे साथ आप देख रहे हैं हल्ला बोल। अब से कुछ देर के बाद भारत के नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान होने वाला है। शाम करीब 6:15 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें नए उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मतदान में 725 सांसदों ने हिस्सा लिया, लेकिन टीएमसी के 34 सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। हालांकि एनडीए उम्मीदवार धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। सबके बीच बड़ी खबर आपको दे देते हैं। शाम 6:15 पर 6:15 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, यानी कि अब से लेकर तकरीबन 18 मिनट के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। कुल 725 सांसदों ने वोट डाला है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जबकि टीएमसी के 34 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पहले ही ममता बनर्जी की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई थी। उनकी ओर से कहा गया था कि चूंकि विपक्ष के उम्मीदवार मार्गेट अल्पा को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, इस वजह से उन्होंने नाराजगी के तहत अपने सांसदों को वोट नहीं डालने की बात कही थी। 725 कुल सांसदों ने वोट डाले हैं, टीएमसी के 34 सांसदों ने वोट नहीं डाला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। धनखड़ का जीतना तय माना जा रहा है, लेकिन औपचारिक घोषणा का इंतजार करना ही होगा। आपको बता दें कि जैसे ही इस बारे में ऐलान कर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के लिए जाएंगे जगदीप धनखड़ से। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। इन सब के बीच अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सवेरे जब जाकर वोटिंग में हिस्सा लिया, वहीं गृहमंत्री अमित शाह की, जेपी नड्डा की, राजनाथ सिंह की, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर की तस्वीरें आपके सामने हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की नेता, तमाम दिग्गजों ने जाकर आज वोट डाला है। आपको बताते चले कि बेहद दिलचस्प रहा यह मामला। एनडीए के पास कितना आंकड़ा है इस बारे में समझिए। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में उसके कुल 303 सांसद, राज्यसभा में कुल 91, इस तरह से 394 का आंकड़ा हो जाता है। जेडीयू, शिवसेना, शिंदे गुट, अपना दल एस, आरपीआई, एजेएसयू, एजीपी, एआईए, डीएमके, पीएमके, टीएमसीएम, आरएलपी, एनपीपी, एनपीएफ, ये तमाम छोटी छोटी पार्टियां, और वाईएसआरसीपी, जिसके 22 लोकसभा में 9 राज्यसभा में कुल 31 सांसद हैं, उन्होंने भी समर्थन का ऐलान किया। एलजेपी के कुल 6 सांसद समर्थन दे रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के 2 सांसद अब यहां पर समर्थन दे रहे हैं, और इस लिहाज से देखा जा रहा है तो शानदार जीत जगदीप धनखड़ की तय मानी जा रही है। और माना यही जा रहा है कि 530 के आसपास हो सकता है जगदीप धनखड़ को वोट मिल जाए, लेकिन करना होगा थोड़ा इंतजार। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आज का उपराष्ट्रपति चुनाव किस तरह का रहा, दिग्गजों ने कैसे वोट डाले, और अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आज इस उपराष्ट्रपति चुनाव के मौके पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरह से चला है। नेता जब कैमरे के सामने आए तो उनकी ओर से किस तरह के किए गए हैं दावे, सुनिए। नहीं, जिसके लिए एक आइडियोलॉजी और पॉलिसी नहीं रहता है उनका, सिर्फ देयर पॉलिसी इज ओनली टू सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ, अगेंस्ट बीजेपी इज द ओनली कॉमन आइडिया, बाकी और कुछ कॉमन है ही नहीं है, और पॉलिसी तो है ही नहीं है। जिसके पास पॉलिसी नहीं है वो कैसे इकट्ठा होता है? सिर्फ किसी को विरोध करना ही एक पॉलिसी नहीं हो सकते, इसलिए उनका एकता नहीं है तो ये तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कल किस लिए, किसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये सब तो पता ही है, इसलिए आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू डिटेल्स ऑफ दैट, बट आई कैन ओनली टेल दैट आवर कैंडिडेट श्री जगदीप धनखड़ जी विल विन विद अ थंपिंग मार्जिन एंड रिकॉर्ड मार्जिन। यहाँ जीत हार का सवाल नहीं है, एक संवैधानिक पद है। हम इस सरकार को संदेश देना चाहते थे, इस सरकार ने बातचीत के रास्ते बंद कर दिए हैं। आप अगर देखिए ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन के बीच में जो तारतम्य होना चाहिए था, जो लगातार संवाद की, निरंतर संवाद की एक प्रक्रिया थी जो हमारी परंपरा रही है, इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने उसको ध्वस्त करके रख दिया। तो हमारे लिए चुनाव जीतना हारना महत्वपूर्ण नहीं है, एक संदेश देना है कि अगर 75वें वर्ष में भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को आपको खाद पानी देना है और पुख्ता करना है, आप विपक्ष से, आम आवाम से संवाद का तरीका पुनः बहाल करें।
और हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें, कुछ देर का और इंतजार 6:15 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की ओर से, इस बारे में और ज्यादा जानकारी दी जाएगी। जगदीप धनखड़ का चुना जाना तय माना जा रहा है। ऐश्वर्या इस वक्त मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हिमांशु मिश्रा भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जयकिशन भी हमारे साथ झुंझुनू से जहां से आते हैं। जगदीप धनखड़ चूंकि वहां पर जश्न की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हिमांशु आपका रुख करते हुए, 6:15 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जगदीप धनखड़ को का जीतना तय माना जा रहा है, बीजेपी की ओर से ये दावे अभी से किए जा रहे हैं, अभी की क्या स्थिति है हिमांशु जिसके बारे में आप जानकारी देंगे? देखिए बिल्कुल, जगदीप धनखड़ जो है ये माना जा सकता है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं, क्योंकि औपचारिकताएं रह गई हैं और जो बात चित्रा आप बता रही थी उस अंकगणित के हिसाब से देखा जाए तो जगदीप धनखड़ के पक्ष में 70% से ज्यादा का वोट शेयर पड़ा है और 725 सांसदों ने आज वोट किया है। 34 सांसद टीएमसी के वोट नहीं कर पाए, 8 राज्यसभा के सांसद जो है वो सीटें खाली थी और बीजेपी के 2 सांसद सनी देओल और संजय धोत्रे स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने वोट नहीं किया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि टीएमसी के 2 सांसद शिशिर अधिकारी जो शिवेंदु अधिकारी के पिता हैं और उनके भाई दीपेंदु अधिकारी, उन्होंने वोट किया है, मतदान किया है, यानी कि टीएमसी की तरफ से जो फैसला लिया गया था उस फैसले के खिलाफ जाके वोट किया। अब बड़ा सवाल ये कि जगदीप धनखड़ देश के पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं और मैं खड़ा हूं इस वक्त 11 अकबर रोड, जी हाँ, यह है घर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का, और यहाँ पर अब से कुछ देरों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम लोग जो है यहाँ पर उनको बधाई देने आएंगे। एक बात और मैं कहूंगा अपने कैमरामैन हिमांशु शर्मा से, वो दिखाएं सामने 12 अकबर रोड है और ये वो बंगला है जहां 2017 में जो है रामनाथ कोविंद पूरे कैंपेन के दौरान जब वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे यहीं रहे थे और डॉक्टर महेश शर्मा उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, उनके घर पर जो है उनका टेम्परेरी जो है निवास स्थान बनाया गया था और उसी तरीके का जो है टेम्परेरी निवास स्थान बिल्कुल अपोजिट 11 अकबर रोड पर है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ चीजें जो है समीकरण है और इन समीकरणों को अगर ध्यान में रखें तो जगदीप धनखड़ की जीत तो पहले ही तय थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो नंबर है चित्रा, उन नंबरों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर जगदीप धनखड़ को जिता सकती थी, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से 3 मत ज्यादा उनके पास थे जी। लेकिन एनडीए और अन्य गैर यूपीए के जो दलों ने उनको सहयोग दिया उसके बाद ये जीत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास हिमांशु, अहम जानकारी आप देते हुए, और टीवी स्क्रीन पर आज तक लगातार अपने दर्शकों को पूरी जानकारी भी दे रहा है कि किसके पक्ष में कितने वोट जा रहे थे और जगदीप धनखड़ का चुना जाना अगर तय माना जा रहा है तो उसके पीछे की सियासी वजह क्या है। वहीं दूसरी तरफ मार्गी टलवा के बारे में भी लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। ऐश्वर्या पालीवाल जुड़ी भी है, ऐश्वर्या आपके पीछे तो अभी से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जरा पीछे की तस्वीरें दिखाएं, कहां पर मौजूद हैं और किस तरह के रंग इस वक्त समेट रही हैं आप अपने कैमरे पर? रही है इस समय हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे बाहर ढोल नगाड़े अभी से बजने लग गए हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं चित्रा, क्योंकि जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं, झुंझुनू से आते हैं, तो ये जो गाना बजाया जा रहा है ये केसरिया गाना है, ये राजस्थान का फेमस गाना है जो अभी आप सुन रही हैं। और ये प्रहलाद जोशी के घर के ठीक बाहर है, ये जो पगड़ी आपको नजर आ रही है ये पगड़ी भी राजस्थानी पगड़ी है और ये जो कपड़ा है इसे बंदेज कहते हैं, ये बंदेज कपड़ा बांध के यहाँ पे जो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं ये हर्ष और उल्लास का एक प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है कि जब जगदीप धनखड़ जीत कर आएंगे, क्योंकि बस कुछ ही देर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ये साफ हो जाएगा, औपचारिकता बची है लेकिन आंकड़ों को देख के यही लग रहा है कि इस समय जीत जगदीप धनखड़ की हो रही है। लोग भी धीरे धीरे करके यहाँ पे आने लगे हैं, फूलों का इंतजार किया गया है, हर तरफ यहाँ पे रौनक है और ये ढोल नगाड़े चीख प्रहलाद जोशी के घर के बाहर चित्रा आपको नजर आ रहे हैं। अब सारे इंतजाम जिस तरह से हुए हैं और जश्न का जो अभी से माहौल शुरू हो चुका है, सिर्फ औपचारिक ऐलान ही किया जाना बाकी है चुनाव आयोग की ओर से, क्योंकि इन रंगारंग तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ को लेकर किस तरह का उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसीलिए सीधे चलते हैं झुंझुनू, महिलाएं राजस्थानी आपको राजस्थानी लिबास में नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं। जयकिशन हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं, जयकिशन तस्वीरें भी दिखाइए, महिलाओं से बातचीत भी कीजिए जरा। देखिए चित्रा, यहाँ पर खुशियों का माहौल है, शेखावटी हीरो की भूमि है
नाच गाकर धनखड़ साहब के निर्वाचन की खुशी मनाई जा रही है। हम बातचीत करें कुछ लोगों से, कैसा लगा? बहुत खुश हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा खुशी, आपको दिख नहीं रही, बहुत खुशी का माहौल है, नाच गाना हो रहा है और डीजे बज रहा है। तो बोल रहा पंजाब में क्या बोलूं? चित्रा जो है उनके भतीजे से बात करेंगे, धनखड़ जी के, जो आज बहुत भावुक है, बहुत इमोशनल है, कैसा लग रहा? बहुत जोरदार खुशी का माहौल है, सब नाच गाना चल रहा है, बहुत। किठाणा के एक छोटे गांव से लेकर अब राज्यसभा का सफर तय कर रहा है सर्वोच्च। हाँ, अब पूरे गांव में, आसपास के इलाके में बहुत खुशी है। और लोगों से बातचीत करेंगे। चित्रा, हम यहाँ खुशी का जो है वो माहौल है, और आप देख सकते हैं कि औरतें, महिलाएं, धनखड़ की जो यहाँ पे दादी जी, आप उनको देख सकते हैं स्क्रीन पे, जरा बात कीजिए, कर रही हैं। अगर जगदीप धनखड़ जी की वो दादी जी हैं तो जरा बातचीत कीजिए उनसे। हम बहुत खुश हैं और आगे जाके राष्ट्रपति भी बनने की उम्मीद है, और हमारी पूरी शुभकामनाएं, 5 साल का कार्यक्रम ऐसे जीते, हम बहुत खुश हैं। चित्रा, यहाँ पर जो है वो खुशी का ठिकाना नहीं है। किठाणा के अंदर जो कि जगदीप धनखड़ का पैतृक गांव है, यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आप प्रेम में देख सकते हैं। जगदीप धनखड़ के चाचा के बेटे हैं जो डांस कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके भतीजे हैं, और यहाँ पे उनके और जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, गांव के पूरे लोग यहाँ इकट्ठा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि धनखड़ जो है वो छोटे किठाणा के गांव से आते हैं, यहाँ से शुरुआती शिक्षा ली, आज इतने बड़े पद पे जा रहे हैं, और शेखावाटी की जो धरती है चित्रा, वहाँ से अब तक 7 शहीद जो है वो इस गांव दे चुका है देश के लिए। अब देश का ये लाल, शेखावाटी राजस्थान का ये लाल जो है वो इतने बड़े पद पर जा रहा है, तो खुशी का ठिकाना नहीं है लोगों को, खुशी का ठिकाना नहीं है। और शब्दों के जरिए तो ये तक कह दिया गया कि अभी तो उपराष्ट्रपति ही बनने जा रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। वैसे अपने देश की परिपाटी रही है, पहले उपराष्ट्रपति से लेकर आपको बता दें एक लंबे समय तक जो उपराष्ट्रपति बना वो राष्ट्रपति के पद पर भी जरूर पहुंचा, हालांकि बाद में वो जो क्रमबद्धता थी वो टूट गई। लेकिन अभी राजस्थान के झुंझुनू के लोगों की यही उम्मीद है, अगले साल चुनाव भी होने हैं राजस्थान में। जाट वोटरों की तादाद 13% है, जिसके जरिए माना जा रहा है जगदीप धनखड़ को आगे करके बीजेपी ने राजस्थान में एक बड़ा दांव भी खेला है। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, कई ऐसे देश के अलग अलग हिस्से हैं जहां पर जाट समुदाय जीत या हार तय करते हैं, लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो। एक बार फिर से ऐश्वर्या करो करते हुए, ऐश्वर्या पीछे आपके पास आते हुए, वहां पर भी एकदम कलरफुल पूरा का पूरा माहौल हो चुका है, लोग जश्न में डूबे हुए हैं। पीछे की तस्वीरें दिखाइए और लोगों से अगर बातचीत भी आप कर पाए ऐश्वर्या। देखो, आपको तस्वीरें ही दिखाएंगे चित्रा, पहले आप देखिए जो ढोल नगाड़े यहाँ पे बज रहे हैं, ये इसीलिए बजाए जा रहे हैं क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। फूलों से सजावट भी की गई है, पीछे की तरफ आपको नजर आएगा कि किस तरीके से घर को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। मंत्रीगण जो है वो भी धीरे धीरे करके अंदर आने लग गए हैं, दरवाजा खोल दिया गया है, दरवाजे की तरफ भी आपको लेकर जाएंगे। ये तो है ढोल नगाड़े, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से जो दरवाजा है वो भी खोल दिया गया है और दरवाजे पर भी पूरी सजावट अब कर दी गई है। यही वो रास्ता है जिससे थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह यहीं से अंदर जाएंगे। तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर है यहाँ पे चित्रा, और खुशी जो है भारतीय जनता पार्टी की वो भी आपको नजर आएगी जिस तरीके की। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, बस थोड़ी ही देर के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। कुछ ही पलों में आपको बताते चले चुनाव आयोग की ओर से वोटों की गिनती करते हुए, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति चुनाव जितनी मशक्कत नहीं होती है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही इसमें हिस्सा लेते हैं, विधायकों की भूमिका नहीं होती, इसी वजह से माना जा रहा है कि चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, बस कुछ पलों के बाद नतीजे भी सामने आ जाएंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए, हिमांशु, थोड़ी देर बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के मुकाबले देखा जाए तो यहाँ पर उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी वोटों की काउंटिंग के लिए, अभी की क्या स्थिति है, कितने देर का और इंतजार करना होगा औपचारिक ऐलान के लिए? हिमांशु, चलिए हिमांशु मिश्रा के पास हम चलेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ झुंझुनू में
आपको बताते चले, जगदीप धनखड़ के घर के बाहर आप देखिए किस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है। राजस्थानी रंग में सभी रंगे हुए हैं। राजस्थान के ही किसान परिवार से वो आते हैं, जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अगले साल विधानसभा के चुनाव भी राजस्थान में होने वाले हैं। वैसे तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर मौजूदा वक्त के सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले राज्यपाल के तौर पर अपनी उपस्थिति जगदीप धनखड़ ने दर्ज कराई थी। हिमांशु में सज चुके हैं। हिमांशु, ढोल नगाड़े तो बज रहे हैं, वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, कितना देर इंतजार करना होगा हिमांशु? देखिए, मुझे लगता है चित्रा आपसे लगभग 7 बजे जो है जो रिटर्निंग ऑफिसर है उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और औपचारिक घोषणा कर देंगे कि चुनाव के नतीजे किस तरफ रहे। ये हम सब जानते हैं कि जो चुनाव के समीकरण है और जो अंक गणित है, उस हिसाब से जगदीप धनखड़ जो है भारी बहुमत के साथ ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज यही है कि जगदीप धनखड़ जो है वो 11 तारीख को जो है वो शपथ लेंगे, यानी कि इस पार्लियामेंट के सेशन में वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर सदन की कार्यवाही को भी चलाएंगे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि देश के जो नए राष्ट्रपति हैं वो मानसून सत्र के अंदर ही जो है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर राज्यसभा के इस सेशन के अंदर जो है सदन की कार्यवाही को चलाने का जिम्मेदारी भी निभाएंगे। ये तो जिम्मेदारी तो आगे, लेकिन हिमांशु बड़ा ही दिलचस्प है, जरूर सुनिश्चित है, क्योंकि हम सब कई सालों से देखते हुए चले आ रहे हैं राज्यपाल के तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां धनखड़ साहब ने खड़ी की थी। लेकिन जब उपराष्ट्रपति के चुनाव की बारी आती है तो सत्ता का समीकरण और माहौल मिजाज कैसे बदल जाता है कि उन्हीं की पार्टी फिर गैप कर जाती है, वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है। ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर देती हैं कि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग उनकी पार्टी नहीं करेगी। इसके पीछे की क्या वजह समझा जाए, जरा इसके बारे में भी देखिए। बिल्कुल चित्रा, देखिए इसकी वजह साफ साफ है। आप देखिए, ये आप अभी शुरू नहीं हुआ है, जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा हुई थी और विपक्ष की तरफ से उनकी पार्टी के यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने उम्मीदवार बनाया था, द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया था, उसके बाद ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर हमसे बात कर लेती तो हम जो है वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हमारी पार्टी। अब जब उपराष्ट्रपति की बारी आई, कांग्रेस की तरफ से मार्गरेट अलवा का नाम आया, तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने ये कह दिया कि उनके साथ चर्चा नहीं की है, इसलिए वो विपक्ष के कैंडिडेट के साथ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि वो और उनकी पार्टी पूरी तरीके से इस मतदान से दूर रहेगी और ये फैसला पार्टी का है। लेकिन उनके दो सांसदों ने आज जो है मतदान किया है, जो शिवेंदु अधिकारी, उन्हीं के पार्टी को छोड़ के गए हैं। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष है, उनके पिता शिशिर अधिकारी ने और दीपेंदु अधिकारी ने जो है मतदान किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 34 सांसदों ने वोट नहीं किया, देश के दूसरे सर्वोच्च पद के लिए जब चुनाव होते हैं, ऐसे में देश के जनता के द्वारा चुने गए 34 सांसदों ने अगर वोट नहीं किया तो उनसे पूछा जरूर जाना चाहिए कि आपने वोट क्यों नहीं किया। आपको अगर जगदीप धनखड़ पसंद नहीं थे तो आप मार्गरेट अलवा को वोट के साथ जाके वोट करते, अगर मार्गरेट अलवा पसंद नहीं थी तो जगदीप धनखड़ आप ही के राज्य के जो है वो राज्यपाल रहे हैं, उनके लिए वोट करते। लेकिन समीकरण ऐसे नहीं बनते, होता नहीं है। जगदीप धनखड़ के उम्मीदवार से पहले प्रकाश डाल रहे हैं, पर्दे के पीछे बहुत दूसरी भी बातें सुनाई देती है। हालांकि नेता कैमरे पर आकर कुछ बोलते नहीं है, लेकिन बड़ा दिलचस्प है, ममता बनर्जी जिसको राज्यपाल के तौर पर नापसंद करती रही, लगातार आलोचना करती रही, हल्ला बोलती रही, जब उन्हीं को उपराष्ट्रपति बनाने की आती है तो फिर विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं करके उनकी पार्टी किनारे हट जाती है। और इस तरह से भी माना जा रहा है कि शानदार प्रचंड जीत जगदीप धनखड़ की तय है। और इसी पर बातचीत करने के लिए गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर आलोक शर्मा जी भी दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। टीएमसी की ओर से हमारे साथ मानव जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, माधव आनंद जी जेडीयू की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि आज तो टीएमसी की ही बारी है, शुरुआत आपसे ही करते हुए मानव जायसवाल जी, तो प्रचंड जीत में बड़ी भूमिका निभाने जा रही है जगदीप धनखड़ की, आज जो रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है मैडम। हाँ, और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को भी नमन करता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि भाई धनखड़ साहब जो बंगाल से निकले हैं तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि बंगाल के बिना तो मोदी जी का कुछ गुजारा नहीं है, बीजेपी का कोई गुजारा नहीं है। बंगाल हमेशा से ही चर्चा में रहा है, चाहे वो अंग्रेजों के समय क्यों ना हो, और आज भी बंगाल ही है जो पूरे देश में चर्चित है। और सही तरीके से देखा जाए तो मैडम
बंगाल ने ही उनको ये जगह दी है, क्योंकि जिस तरीके से वो इस पद पर रहते हुए, राज्यपाल के पद पर रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने एक तरफा डिसीजन लिए, एक तरफा बयानबाजी करी, आज उसका फल है कि भाई आज वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं इस देश के। बंगाल में तो पूछते थे आप लोग हम आपके हैं कौन, और अब जब उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो फिर प्यार बरसा रहे हैं। मतलब प्यार, आपको मेरे बातों से प्यार तो लगेगा मैडम, हम लोग बहुत प्यार वाले लोग हैं मैडम, बंगाल बहुत प्यार करता है मैडम, सभी से प्यार करता है। देखिए आप कभी बंगाल आइए, अगर आपको कोई रास्ता नहीं पता चलेगा तो भाई हमारे जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो आपको घर तक छोड़ के आएंगे मैडम, सबसे सुरक्षित प्रांत है महिलाओं के लिए। आज हमारे धनखड़ साहब बनने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, हम उम्मीद करेंगे तो कि राज्यसभा में जब उनको, ठीक है, राज्यसभा में जब हमसे मुलाकात हो, हमारे जो एमपी रहेंगे राज्यसभा के, जब उनसे मुलाकात हो तो भाई सबको मौका दें तो सीधा समर्थन ही कर देते ना। वो राज्यपाल थे अगर पश्चिम बंगाल के, तो उनके पक्ष में वोट करने में क्यों परहेज किया आप लोगों ने? आप लोगों को तो बढ़ चढ़कर बंगाल की आवाज बुलंद, जैसा कि आप गिना रहे हैं कि आवाज बुलंद होती तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लेते वोटिंग में, वोटिंग से बाहर जाने की क्या जरूरत थी? मैडम सबसे बड़ी बात है, आपको पता है कि भाई बीजेपी से हमारी कोई भी A1% भी आइडियोलॉजी मेल नहीं खाती। हाँ। जिस तरीके से वो अंग्रेजों के अनुयायी हैं, जिस तरीके से वो अंग्रेजों के काले कानून जो थोपना चाहते हैं, देश में एक मैंने विविधाभास पैदा कर चुके हैं, भाईचारे को नष्ट कर रहे हैं, इतने सारी चीजों के बाद भी हम अब चाहते हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट करें। 70% लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं मैडम, हार जीत लगी रहती है, वो अलग मापदंड है, हम भी नहीं करना चाहते। और जहां तक बात है जो दूसरी वोटिंग की बात है मैडम, हम तो चाहते थे कि एक सामूहिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से हम एक चुनाव करें, इनके ऑपोजिशन की जो इनके ऑपोजिट होते हैं। सर आप लोग अंग्रेजों का इतिहास जब गिनाते हैं तो फिर आपसे पलट कर पूछ लिया जाए, अटल सरकार में जब ममता बनर्जी मंत्री बनी थी तो वो क्या था? वहां तक नहीं जाते हुए नहीं तो आप बुरी तरह से घिर जाएंगे। गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए यहाँ पर विपक्षी एकता में दरार डालकर आप लोग नहीं, वहां तक नहीं जाते हैं मानव जायसवाल जी, आप लोग अंग्रेजों की बात ज्यादा करते हैं और पिछले 20-15 सालों की बात भुला दिए जाते हैं। गौरव भाटिया जी, क्या ये माना जाए कि प्रचंड जीत है जगदीप धनखड़ जी की? विपक्षी एकता में फूट डाल दी आप लोगों ने गौरव भाटिया जी। चित्रा जी देखिए, सर्वप्रथम तो ये कहूंगा कि आज देश के लिए ऐतिहासिक लम्हा, ऐतिहासिक पल होगा, और ये हमें यकीन है कि ऐसी जीत होगी, ऐसी प्रचंड जीत होगी कि विपक्ष भी देखेगा। और ये क्यों होगी मैं आपको बताता हूं। देखिए जब इस देश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मिली तो हमें पता चला कि आज जो आदिवासी समाज है उसका व्यक्ति भी ये सपना ही नहीं, उसको साकार भी कर सकता है कि वो उच्च संवैधानिक पद पे बैठे। आज एक ओबीसी समाज का उप राष्ट्रपति जो कि किसान परिवार से आता है, एक अधिवक्ता भी है, और उसके साथ साथ करीब 33 साल राजनीतिक जीवन में रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनता है तो ये हर मान। चूंकि धनखड़ साहब की ये पहली तस्वीर सामने आ रही है, अब चुनावी रिजल्ट का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उसके पहले देखिए वो अपने घर से बाहर निकले हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उनका राजनीतिक सफर किस तरह का रहा है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। धनखड़ आखिर पहली पसंद उपराष्ट्रपति के लिए क्यों बने, भारतीय जनता पार्टी के ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। उनके घर पर आप देखिए उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है, और कुछ ही देर में जब ऐलान इस बारे में हो जाएगा कि वही उपराष्ट्रपति होंगे अगले, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके घर पहुंचकर उनको बधाई देने के लिए जाएंगे। धनखड़ राजस्थान के रहने वाले हैं, किसान परिवार से हैं, जाट समुदाय से आते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन में जाट किसान बड़ी तादाद में थे, आपको बताते चले। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, यूपी, जाट वोटर्स और किसानों की अच्छी खासी तादाद है। माना जा रहा है कि धनखड़ के सहारे इन तमाम राज्यों में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगी बीजेपी। राजस्थान में अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं विधानसभा के, और यकीनन इनके जरिए राजस्थान की सियासत को भी नापने की कोशिश। गौरव जी आपको रोकना पड़ा था, उनकी तस्वीरें सामने आ रही थी, अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप। नहीं चित्रा जी, मैं समझ सकता हूं आज ऐतिहासिक दिन है, ये तस्वीरें बड़ी अहमियत रखती हैं। मैं केवल ये कह रहा था कि देखिए एक तरफ एनडीए है जी, जिसने अपनों को तो जोड़ के रखा ही, साथ में हमने किस तरह से देखा बीजेडी है और उसके साथ वाईएसआर है, शिवसेना गुट है, इन्होंने भी समर्थन किया जगदीप धनखड़ जी का। ये क्यों संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि
उनका व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत ऐसी थी, और एनडीए का जो प्रबंधन है वो सबको साथ में लेके आया। दूसरी तरफ टीएमसी के मैं प्रवक्ता को सुन रहा था, टीएमसी ने खुद कहा कि विपक्षी दलों ने, कांग्रेस पार्टी ने खासकर, हमसे बात तक नहीं करी। मतलब रूठे को मनाना भी इनको नहीं आता है। और अभी आप कह रही थी फूट डाल दी, अरे जो वैसे ही टूटा है उसमें फूट क्या डालनी है चित्रा जी, आप मुझे बताइए। लेकिन मुझे आपत्ति इस बात की है कि ये कहते हैं कि हम बीजेपी को समर्थन कैसे करें, ये भूल जाते हैं कि उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं होता है। आप देश को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देते हैं, और आपको ये देखना है कौन व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करेगा। मैं समझता हूं, जैसे हमने देखा क्रॉस वोटिंग राष्ट्रपति चुनाव में हुई थी, और खासकर कांग्रेस के अपने एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला था इनके कैंडिडेट के लिए, ये दर्शाता है कि आज विपक्ष ना नेतृत्व है, ना विचारधारा है, और ना इनके अपने एमएलए और सांसद इनके साथ जाना चाहते हैं। और जो हमारे कैंडिडेट होते हैं वो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सबका दिल जीत लेते हैं, आम आदमी भी उनके साथ खड़ा होता है, और इनके घटक दल भी हमारे साथ आ जाते हैं। जब एकता की बात होती है तो इतनी अनेकता क्यों आ जाती है? यहाँ पर सामने आलोक शर्मा जी, और विपक्ष में बड़ी फूट, तो वो तो क्रॉस वोटिंग की भी उम्मीद कर रहे हैं, और टीएमसी ने जिस तरह से पर्दे के पीछे से समर्थन ही इसको माना जाएगा अगर उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन नहीं किया है तो सीधे सीधे आप लोग तो 2024 की तैयारी कर रहे थे यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी। देखिए मुझे लगता है विपक्षी दलों को टीएमसी नहीं, ऐसा नहीं है, विपक्षी दल जो एनडीए के साथ में थे उस समय पर या यूपीए के साथ में थे, आप उनको अगर पूरा अलग अलग देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस तरह की क्रॉस वोटिंग देखने को मिलती है। आरजेडी हो, एनसीपी हो, जेएमएम हो, टीआरएस है, तमाम लोग, चाहे शिवसेना, मूल शिवसेना है, वो सब लोग आज भी यूपीए के कैंडिडेट के साथ खड़े हैं, और इस तरह का क्रॉस वोटिंग और तमाम चीजें पहले भी हो चुकी हैं। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति जी महोदय के चुनाव में भी जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने अपने यहाँ पर प्रचार के लिए भी जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म या मौका नहीं दिया था, और इनडायरेक्टली आज भी जिस व्यक्ति ने चार वर्षों तक इनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े करने के लिए काम किया, इनडायरेक्टली आज भी टीएमसी पता नहीं कौन सी मजबूरी है क्या है कि उनको ही सपोर्ट कर रही है। अगर आज टीएमसी विपक्ष के उम्मीदवार को वोट देती, जिस तरह का एब्सेंट करने की बात है, उसमें दो चीजें हैं। एक तो टीएमसी को एक लोकतांत्रिक दल होने के नाते कोई हक नहीं था कि अपने सांसदों का वोट का अधिकार छीने। आप जिसको भी दिलवाना चाहते थे आप दिलवाइए, इसमें ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत और चुनाव महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन तमाम चीजें होने के बाद भी आप इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका उत्तर तो बीजेपी को, इसको टीएमसी को ही देना पड़ेगा कि आप आज भी एक तरफ अपने वोटर्स को कहीं ना कहीं उनको मैसेज दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। पर्दे के पीछे कोई खेला तो नहीं कर दिया मानव जायसवाल जी? सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से आलोक जी अपनी बात पूरी कर ले जल्दी से पहले। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, अब वो कौन सा कारण है ये तो टीएमसी बेहतर बता सकती है। हाँ। लेकिन इतना जरूर है कि जो दो तीन चीजें आई, देखिए राष्ट्रपति महोदय का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव हो, ये जाति, धर्म, पार्टी इन सबसे बहुत ऊपर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेपी ने इन दोनों ही पदों को जाति और धर्म के आधार पर जिस तरह से बांट दिया है, आज भी वो जीतेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं दोनों कैंडिडेट्स के लिए कि वो जाट हैं, वो ओबीसी से आते हैं, इसलिए ऐतिहासिक है भाई उनके, वो खुद भी अपने आप में चाहे मार्गरेट अल्वा हो और चाहे जगदीप धनखड़ जी हो, दोनों ही अपने आप में काफी योग्य उम्मीदवार हैं। मुझे लगता है बीजेपी को इन दो पदों को कहीं पर, आप कहते हैं कि साहब वो तो देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि आदिवासी महिला बन गई, लेकिन यहाँ दलित भी बनी है, तमाम लोग बने हैं। हाँ। लेकिन बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं को केवल वोट दिखता है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति पहले कौन बना, या आदिवासी राष्ट्रपति पहले कौन बना? मैंने नहीं कहा, कि राष्ट्रपति, लेकिन आदिवासी महिलाएं और तमाम पदों पर भी रही है, गवर्नर भी बनी है, और उपराष्ट्रपति पद के लिए भी तमाम लोग आए हैं, प्रधानमंत्री भी तमाम लोग बने हैं, दलित महिला भी बनी है, दलित उपराष्ट्रपति भी बने हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन केवल वोट के लिए इन पदों को केवल आप सीमाओं में बांध दें कि
कि हमने ऐसा कर दिया इसलिए हमें केवल वोट के लिए सीमाओं में बांधा जा रहा है, जातियों का रंग चढ़ाकर। गौरव भाटिया जी, मानव जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। पहले गौरव भाटिया जी से जवाब ले लेती हूँ, माधव आनंद जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। चित्रा जी, देखिए क्यों कांग्रेस जो है वो नष्ट होती जा रही है, भस्मासुर बन गई है। जो कांग्रेस को छूता है वो भी नष्ट होता है, उसकी वजह आपके चैनल पर है। कभी भी अगर देश में खुशी का माहौल है, इतिहास अगर जड़ा जा रहा है, तो यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता आके केवल मातम मनाते हैं और कितनी विरोधाभास जो है इनकी टिप्पणी होती है। इन्होंने कह दिया कि उच्च पदों को जात में बांट रही है भारतीय जनता पार्टी। आप याद करिए, कुछ ही दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे जब पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, उसके लिए अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति कहा और माफी नहीं मांगी, और सोनिया गांधी ने उनके कान पकड़ के माफी नहीं मंगवाई। तो आप मुझे बताइए, ये जो उच्च पद है, संवैधानिक पद है, उन पे जो व्यक्ति होता है उसका आदर तो कांग्रेस नहीं करती है। प्रधानमंत्री जी उनको चौकीदार चोर है बुलाते हैं, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाते हैं। आज एक खुशी का पल है, इतिहास इसलिए रचा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा संदेश है, केवल आदिवासी समाज के लिए नहीं, कोई भी व्यक्ति साधारण अगर वो बैकग्राउंड से आता है तो वो जानता है मैंने सपना देखा है, और अगर सपना देख के मैं मेहनत करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, अगर मुझ में कर्मठता होगी, तो एक दिन मैं भी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे जनता की सेवा कर सकूंगा। ये जो बड़ा संदेश है ये वंशवादी कांग्रेस पार्टी नहीं समझ सकती है। खुशी के मौके पर मातम मनाती है कांग्रेस, ये आरोप लगा रहे हैं गौरव भाटिया जी। देखिए मातम जैसे शब्द, मातम जैसे शब्द का इस्तेमाल बीजेपी ही कर सकती है, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा से लाशों पर ही राजनीति और मातम पर ही राजनीति की। मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी जी ने तो फिर भी माफी मांगी और सार्वजनिक तौर पर मांगी कि स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन वो हमारी एक महिला मंत्री हैं जिन्होंने जिस तरह का संबोधन कांग्रेस उसके संसद के अंदर किया था, उसके लिए कौन माफी मांगेगा? मोदी जी माफी मांगेंगे क्या? आज किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, मैंने किसी कैंडिडेट के लिए जाति और धर्म की बात नहीं, किसने की? बीजेपी ने की, बीजेपी के प्रवक्ता ने। क्या ये सच नहीं है? स्मृति ईरानी ने जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल संसद में किया था, क्या वो एक महामहिम के लिए होता है? लेकिन बीजेपी के लिए सब चलता है, सब चंगा सी। इनका तो राज है भाई, हिटलर के राज में ऐसा ही होता है कि अपोजिशन पूरा गलत होता है और सत्ता पक्ष पूरी तरह से ठीक होता है। अब टीएमसी ज्यादा बता सकती है कि कहां है चित्रा जी, मेरी आपत्ति तक मेरे पहुंच गए। क्या राहुल गांधी हिटलर है या सोनिया गांधी हिटलर है? ओसामा बिन लादेन है, वो औरंगजेब है, राहुल गांधी इदी अमीन है, नहीं क्या ये चर्चा का तर्क का तरीका है? अरे बस तर्क सुनिए, इदी अमीन है राहुल गांधी, इदी अमीन है, भाषा देखिए बताइए। लेकिन आपसे अच्छी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती, चुने हुए प्रधानमंत्री जी के लिए। सुनिए चित्रा जी, बीजेपी के तमाम आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, ये बात तो सच है ना, चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देना, कभी प्रधानमंत्री को हिटलर करार दे दिया जाना, ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। बस अब इसको यहीं पर छोड़ते हुए, एक सेकंड इसको यहीं पर छोड़ते हुए, देखिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करें। आलोक जी प्लीज, वो इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री पद की गरिमा का उतना ही सम्मान होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आलोक शर्मा जी, जो आरोप उन्होंने लगाया उस पर आलोक जी देखिए, अगर आप इतिहास पढ़ाने बैठेंगे तो फिर मैं आपको बताने लगूंगी कि कब कब किस किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति को आगे किया, किस तरह से अपने ही उपराष्ट्रपति को आप लोग इस्तीफा दिलवाकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाते हैं, और फिर आपकी पार्टी दो फाड़ होकर उसमें अलग अलग वोट करने लगती है, इतिहास में नहीं जाते हैं आलोक जी, बहुत लंबा हो जाएगा। जी ने बिल्कुल ठीक कहा, राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं, तमाम और इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल तरह से मोदी जी के कंट्रोल में, ठीक है और वो देश की जनता भी देख रही है ना सर, देश की जनता देख रही है। मैं आपको बताऊं आलोक जी, अगर कांग्रेस पार्टी के लोग पूरी तरह से देखता था टीवी स्क्रीन पर आकर मेरे शो में एंकर पर आरोप नहीं लगाए तो मुझे कुछ कुछ अधूरा सा लगता है, ऐसा लगता है कि मिठाई बिना चीनी के बन गई। अब आपने इल्जाम लगा दिया, मैं आराम से आगे बढ़ सकती हूँ। मैं कुछ मिस कर रही थी आलोक जी कि अब तक आपने एंकर पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए, ठीक है उसमें नहीं जाते हुए। माधव जी सीधे आपके पास आते हुए, माधव जी सीधे आपके पास आते हुए, क्या विपक्ष के पास भी एक शानदार मौका था जो वो कम से कम एक आदिवासी राष्ट्रपति को चुनने पर चूक गई?
आज के कम से कम एक किसान नेता को जब चुना जाना था तो उस पर क्या वो सामने आ सकते थे? ठीक है गौरव भाटिया जी, प्लीज आलोचित के प्रवक्ता शांत हो जाओ, दोनों लोगों की आवाज डाउन किया जाए, दोनों लोगों की आवाज डाउन किया जाए। आप लोग यहाँ पर उपराष्ट्रपति जैसे बड़े संवैधानिक पद को लेकर चर्चा करने के लिए बैठे हैं और इस तरह से भाषाई अमर्यादा की सारी लकीरें पार कर रहे हैं। आप इतने बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, एंकर जब तक डांटे नहीं आप लोगों पर असर नहीं होता है क्या? पूरा देश देख रहा है आलोक जी, प्लीज ये कौन सा शब्द होता है हिटलर यहाँ पर? नहीं, आप जब प्रदर्शन कीजिएगा बोलिएगा, बट डिबेट पे नहीं प्लीज। सर माधव आनंद जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप, और कोई एक दूसरे के लिए आपत्तिजनक अभद्रता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत मैं अपने कार्यक्रम में नहीं दे सकती। उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद को लेकर डिबेट हो रही है उसी पर रहिए। माधव आनंद जी, चित्रा जी देखिए, एनडीए के कैंडिडेट की जीत तो पहले से ही सुनिश्चित थी, क्योंकि कैंडिडेट के चयन से लेकर आम सहमति बनाने से लेकर सब प्रयास करके ही कैंडिडेट का चयन किया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जगदीप धनखड़ साहब को मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। कुछ समय बाद जैसे रिजल्ट भी आ जाएगा और निश्चित रूप से जैसे जीत उनकी सुनिश्चित है। दूसरी बात, जब विपक्षी एकजुटता की आप बात करते हैं, विपक्ष एकजुट कब रहा है? विपक्ष एकजुट तभी होता है जब करप्शन के केसेस खुलते हैं, जब ईडी उनपे जब कार्रवाई करती है, सीबीआई कार्रवाई करती है, तो विपक्ष तो कभी एकजुट रहा ही नहीं। विपक्ष तो नेतृत्व विहीन है, विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, विपक्ष के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस तो मजबूत नहीं होना चाहती है। जब नहीं होना चाहती है तो हम और आप क्या करेंगे? इसीलिए निश्चित रूप से जो है मैं कहता हूं, इन लोग के पास अच्छा मौका था, राष्ट्रपति के चुनाव के टाइम में भी अच्छा मौका था और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के टाइम में भी अच्छा मौका था कि सब लोग मिलके हम लोग एक स्वर से एक ही व्यक्ति का समर्थन करते तो अच्छा मैसेज जाता। लेकिन ठीक है, इनको राजनीति करनी है, राजनीति करने दीजिए, उन्होंने अपने उम्मीदवार करा दिए, अच्छा काम किया, कहीं वोट नहीं किया, अच्छा काम किया। टीएमसी ने किस स्ट्रेटजी के तहत किया तो टीएमसी के प्रवक्ता ही बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूँ, ना आप बता सकते हैं, ना गौरव भाटिया बता सकते हैं अब किस स्ट्रेटजी के तहत। लेकिन कुछ क्रॉस वोटिंग भी हुई है तो स्वाभाविक है, एनडीए के उम्मीदवार ही इतने ताकतवर हैं, उनकी छवि इतनी अच्छी है, अच्छे नेता हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जीत तो सुनिश्चित थी। और जहां तक आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों के खेल में तो एनडीए शुरू से आगे रहा है, लेकिन हम लोग आंकड़ों नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विपक्षी पार्टियां हैं जो एनडीए के पार्ट नहीं होने के बावजूद भी राष्ट्रपति चुनाव में भी समर्थन किया और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी समर्थन किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि के पास अच्छा मौका था, मौका मिला, लेकिन मौका को चुकने का काम लोगों ने किया। और विपक्ष एकजुट हो जाए, कांग्रेस मजबूत हो जाए, ये मैं भी चाहता हूँ। मैं सीधे मानव जायसवाल जी आपके पास आते हुए उसके बाद मैं दोनों ही राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के पास आऊंगी। मानव जायसवाल जी, अगर चुनावों के दरमियान जनता वोट करने के लिए नहीं जाए क्या होता है असर आप लोगों पर? वैसे ही और ये देखिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए मतपत्र खुलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन जगदीप धनखड़ का चुना जाना तय माना जा रहा है जिस तरह के आंकड़े एनडीए के पक्ष में हैं। लेकिन जो औपचारिकताएं होती हैं उसको पूरी पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया जाता है और इसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मतपेटियां और इसके भीतर बंद है किस्मत जगदीप धनखड़ साहब मार्गे टलवा की, किसको कितने वोट मिलते हैं ये देखना रहेगा, बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। कुछ देर में चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कुल वोटर 780, राज्यसभा के 237, 543 लोकसभा के, और अब एक एक करके वोटों की गिनती की जाएगी। सभी यहां पर देखे अलग अलग पार्टियों के लोगों की भी वहां पर मौजूदगी है, पारदर्शी तरीके से चूंकि अब मतपेटियां खोली जाती हैं और फिर उसमें से एक एक करके गिनती की जाती है, सभी लोग गौर से देखते हुए। माना जा रहा है जगदीप धनखड़ साहब जो पिछले 33 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, 1993 में पहली बार वो विधायक चुने गए, 1989 में पहली बार सांसद चुने गए थे, चंद्रशेखर सरकार में मंत्री भी रहे, 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। हालांकि राज्यपाल रहने के दौरान ममता बनर्जी के साथ उनकी जो तनातनी थी वो जग जाहिर थी, लेकिन उसी का इनाम भी मिला है ये भी कहा जा रहा है। साथ ही जब जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया था तो किसान पुत्र कहकर उनकी ओर से संबोधित किया गया था। अगले साल राजस्थान में चुनाव है, राजस्थान से ही आते हैं वहां के झुंझुनू से जगदीप धनखड़, और माना जा रहा है एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हालांकि एनडीए के कई एक तरफ बीएसपी ने भी जहां समर्थन कर दिया है, वाईएसआरसीपी ने भी समर्थन कर दिया है, बीजेडी ने भी समर्थन कर दिया है, जबकि टीएमसी इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो चुनाव में अगर आप हिस्सा नहीं लेते हैं तो जो मजबूत उम्मीदवार रहता है उसी का आप समर्थन करते हैं, इसका सीधा सा माना ये निकाला जाएगा। मानव जायसवाल जी, अगर जनता वोट करने के लिए नहीं जाए जिसको लेकर चुनाव आयोग इतने बड़े बड़े कैंपेनिंग चलाता है और यहां पर चुने हुए प्रतिनिधि ही चुनाव का बायकॉट करते हैं,
स्वस्थ लोकतंत्र में ये जो परंपरा डाली जा रही है इसको कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है मानव जायसवाल जी। मैडम इसको आप दो परिप्रेक्ष्य में लीजिए। हाँ। पहली बात, हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे जितने भी एमपी थे लगभग 70-90% एमपी लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम जेपी धनखड़ जी के नॉमिनेशन को हम एब्सटेन करेंगे। साथ ही साथ ये क्या कारण था कि भाई हमने हमारे जो दूसरी कैंडिडेचर है उनको हमने नहीं चुना, क्यों? क्योंकि भाई जो अहंकार के विपरीत हम काम करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमारा भी सम्मान हो, स्वाभिमान है, स्वाभिमानी है हम, तो हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। ये जो बात होगी स्वाभिमानी नहीं हो जाए चुनाव के दरमियान, जनता जनता ही जब ज्यादा बटन दबने लगेंगे तो वही होने लगेगा। इस तरह की परिपाटी मत डालिए ना, इस तरह की परिपाटी तो ठीक नहीं है। नहीं नहीं मैडम, जनता के स्वाभिमान को तो बीजेपी ठेस पहुंचा रही है, आए दिन एक्सपेरिमेंट किए जा रही है। आप चर्चा कीजिए ना कि भाई दूध पे टैक्स लगाया जा रही है, फलान फलान फलान। आप मैडम बात करती है, मैं अभी सुन रहा था गौरव जी को, उन्होंने क्या बोला, भस्मासुर। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी हो और उसके साथ पार्टनरशिप टिकी हो 5 साल। सारे इनके एनडीए के कितने लोग आए दिन हो जा रहे हैं। देखिए शिवसेना का हाल क्या हो रहा है, इन्होंने क्या करा है, ये तो पीठ से वार करते ना, पीठ पीछे वार है, सीने पर वार करिए, हम तो सीने पे खाने के लिए रेडी है। दूसरी बात, सीने पे कैसे खाएंगे, आप कहां उनके साथ में हैं, आप क्यों वार झेलने के लिए तैयार हो रहे हैं, आप साथ में हैं क्या उनके? हम साथ में, अरे उनके सामने खड़े हैं। हम उनके सामने, हम उनकी गोली सीने पे खाएंगे, आप पीठ पे वार मत करिए। जिस तरीके से 2021 में इतने सारे जो एमएलए को पीठ पीछे उन्होंने ले लिया था, पूछा जा रहा है ये लोकतंत्र की सही परिपाटी तो नहीं है ना, अगर सांसद ही चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं तो मैडम सबको सबके विवेक पर छोड़ दिया जाता। लोटा 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 भी है ना मैडम, ये भी तो लोकतंत्र की निशानी है ना, ये भी तो आपको राइट। बंगाल के लोगों को बता रहे हैं लोटा पर अगली बार बटन दबाए, वो आप ये बता रहे हैं क्यों? अरे मैडम बंगाल ने तो दिखा दिया 2021 में कितने वोट आए, कितने सीट मिली, बीजेपी कहां दूम दबा के भागी। जरा आलोक जी के सवाल पर भी बताइए ना, आलोक जी ने भी कहा, आलोक जी कह रहे हैं कि कहीं बी टीम बन के तो काम नहीं कर रहे हैं आप लोग। आर यू गौरवाटिया जी, मैडम क्यों नहीं समर्थन किया है विपक्षी उम्मीदवार का? दो चीज हमारे राष्ट्रपति लोग दो चीजें सुन ले। पहली बात, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने ना हमसे समन्वय रखा, ना हमसे बात करी, ना डिसाइड करने के लिए। भाई उनका अपना अहंकार है, उनके अपने तरीके है, हमारा स्वाभिमान है। दूसरी बात, हम पूछना चाहते हैं, बहुत सारी बातें होती है, दीदी और दीदी किसने कहा था, सोनिया गांधी जी हमारी एक सीनियर लीडर है, उनके बारे में किसने अशब्द कहे थे, महिला का किसने सम्मान नहीं किया, कितने इनके मुख्य मंत्री लोग हैं, जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हुए हैं, कितने किस तरीके से बातें करते हैं। ठीक है, ओके, गौरव भाटी जी पहले जवाब देंगे, उसके बाद आलोक जी के पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाति जिस तरीके से गिनाते हैं ना मैडम, भारतीय जाति पार्टी है ये, गौरव भाटिया जी भारतीय जाति पार्टी है क्या? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौरव भाटिया कराइए तो मैं उत्तर दूंगा। चित्रा जी चिल्लाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी बताइए, इतना समय दिया आपने फिर भी बोले जा रहे, बोलिए, शांत कराइए, शांत हो गए, धन्यवाद सर। 140 सबसे पहले तो मैं मानव जी प्लीज, मानव जी प्लीज, प्रधानमंत्री तो बोले पर्सनल टिप्पणी ना दे, आपसे बात कर ले, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी को लात मारूंगी ये ममता बनर्जी ने कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया था ना, अभी करूंगा तो कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे। और यहां परेशानी देखिए क्या है, कांग्रेस को दिक्कत है टीएमसी से, टीएमसी को दिक्कत है कांग्रेस से, और सारा गुस्सा एक दूसरे पे डालने के बजाय हमें बीच में ला रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे चयन से भारत को एक ऐतिहासिक उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है, जनता खुश है, हम खुश हैं, दुखी कौन है वो हम सब देख रहे हैं। प्लीज चित्रा जी, अच्छा नहीं लगता है अभी अगर मैं बार बार उनको नहीं बोलने के लिए कहूंगी, टाइम चला जाएगा। लास्ट के 30 सेकंड हमारे पास है गौरव भाटिया जी, 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कर पाए क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, प्लीज। हाँ, मैं बता दूं चित्रा जी, कांग्रेस को क्यों, चित्रा जी मैं एक बात कह के अंत करूंगा, अभी अभी टीएमसी ने कहा कि हम तो सीने पे गोली खाएंगे। अरे भाई, तुम तो जनता की कमाई और रिश्वत खाने से फुर्सत पाओगे, तब तो देश के लिए कुछ करोगे। और सबसे बड़ी बात चित्रा जी आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन घटक दलों को भी जोड़ा है जो हमारे साथ एनडीए में नहीं है, और ये उनको भी साथ नहीं रख पाए जो इनके साथ, ये दिखाता है कि नेतृत्व की शक्ति, विचारधारा की शक्ति। आलोक जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, आगे आपसे और चर्चा हो जाएगी थोड़ी देर में। उपराष्ट्रपति जी चुनाव के नतीजे देश के सामने होंगे, जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति बना जाना तय माना जा रहा है,
कुछ ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें इस बारे में ऐलान किया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है, उसके ठीक पहले जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ सामने आते हैं और हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ बनने जा रहे हैं अगले उपराष्ट्रपति, जिसका ऐलान कुछ ही देर में होगा। ये बड़ी जानकारी बीजेपी की ओर से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी।